हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी अगेन। मैं योगेश अग्रवाल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कई सारी बातें पढ़ ली हैं, और हम लास्ट टाइम जब देख रहे थे तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट था हमारे सामने। फैराडे साहब ने क्या बताया था, देखिए फैराडे साहब ने ही हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फंडा दिया था। तो ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट के नाम से जो हमने कल पढ़ा था, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज। वो क्या था, देखो फैराडे एक्सपेरिमेंट, कि अगर कोई कॉइल है राइट, और उसके पास में हम कोई अगर एक बार मैग्नेट रख दें, तो बार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक लाइंस हैं जो इस तरीके से होते हैं राइट, जब इस बार मैग्नेट को हम कॉइल के पास लाएंगे तो क्या होगा, कॉइल के जैसे ही पास लाएंगे बार मैग्नेट को, कॉइल के वायर कंडक्टर वायर से इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कट होने लगेंगे, कुछ इस टाइप से कट होने लगेंगे। कट क्या, कट मैग्नेटिक लाइंस, कट वाई बाय कंडक्टिंग वायर। और जब कभी ऐसा हो, ध्यान से समझ लीजिए, जब कभी ऐसा हो तो इस फेनोमेना को, जिसमें कि मैग्नेटिक लाइन किसी कंडक्टिंग वायर से कट हो रही हैं, तो इट इज कॉल्ड एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर being cut by a conducting wire it is called as change in magnetic flux। इसको चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो फैराडे साहब ने यही बताया कि जब तक वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता रहेगा, मतलब ये देखिए ना, एक मिनट के लिए मैं इसको मैग्नेट को पास लाया, तो ये धीरे धीरे पहले इस वायर से कट हुए, फिर इस वायर से कट हुए, फिर इस वायर से कट हुए, फिर इस वायर से कट हुए, तो जब तक वो मूवमेंट रहेगा तब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और एक बार मान लो ये कंडीशन में आके हमने स्टॉप कर दिया, कॉइल भी स्टॉप है, मैग्नेट भी स्टॉप है, तो अब जो जो कट हो रहे थे वो तो हो गए, अब ऐसा ही सेटअप हो गया, अब फर्दर कोई कटिंग नहीं हो रही, हम इसको जब मूव करेंगे तभी कट होंगे, फिर अगले वाले वायर से कट होंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी कंडीशन में नो चेंज इन फ्लक्स। अगर नाउ इफ नो मूवमेंट, नाउ इफ नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन between coil and magnet, then no change in magnetic flux। मतलब क्या हुआ कि अगर magnetic lines of force cut हो रहे हैं तब change in flux होता है, change in magnetic flux होता है। तो जब भी change in magnetic flux होगा, फैराडे साहब ने बताया, जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कंडक्टिंग वायर के अंदर या कंडक्टिंग वायर के दोनों एंड पर, एक ईएमएफ सेट हो जाता है। और आपको बताइए, किसी वायर में अगर हम ईएमएफ सेट कर दें, यहाँ पे 10 वोल्ट और यहाँ पे 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो गया, तो फिर करंट फ्लो होगा कुछ इस तरीके से, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम ईएमएफ कहते हैं राइट। तो ये फैराडे साहब ने बताया कि व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड ए मैग्नेट, देन ईएमएफ गेटिंग सेट एट द एंड ऑफ द कंडक्टिंग वायर एंड ए करंट फ्लोज इन द कंडक्टिंग वायर एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट, उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो मैं फाइनली एक बार फिर से ये लिख देता हूं आपके सामने,
आपको समझ आ गया? तो फैराडे एक्सपेरिमेंट, ये हमने पिछली बार भी बताया था, लेकिन इसको हम थोड़ा खुला करके भी बता रहे हैं यहाँ पे. वेन एवर देर इज एनी चेंज, ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, associated with the coil due to the relative motion between coil and magnet an EMF या फिर इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, एंड ईएमएफ गेट सेट एट द एंड्स ऑफ कंडक्टिंग वायर एंड एन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज An induced current flows in the coil, right? अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जो आपने ध्यान दिया हो, रिलेटिव मोशन. तो उसका मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार. रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, देखिए. देखिए रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि ये है कॉइल, इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है, और ये है मैग्नेट, राइट. तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, देखो अगर ये रेस्ट में है और ये मोशन में है तो दोनों के बीच में मोशन, अब ये इसके नजदीक आएगा, राइट. दूसरे केस में देखो, ये नजदीक आया था पहले और अब ये चेंज दूर जा रहा है, तो भी दोनों के बीच ये रेस्ट में ही है तो ये दूर जा रहा है. तीसरा केस हम क्या कर सकते हैं, देखो तीसरा चौथा सभी हम ऐसे ही केस कर सकते हैं. ये एस और एन है और ये पूरा पूरा कॉइल उधर जा रहा है, ये रेस्ट में है. यानी या तो मैग्नेट मूव करे या तो कॉइल मूव करे, किसी एक को तो मूव करना है. And this motion is called as relative motion. अगर दोनों ही एक साइड में जा रहे हैं, सपोज ये और वो दोनों एक साइड में जा रहे हैं, तो फिर रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, एक ही स्पीड से जा रहे हैं. तो ये डिस्टेंस उतना ही रहेगा जितना है, दोनों एक साथ जा रहे हैं. ये समझो मैग्नेट है और ये कॉइल है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, तो कोई उनके बीच में रिलेटिव मोशन कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों एक पर्टिकुलर एक ही डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं. जितनी स्पीड इसकी है उतनी स्पीड कॉइल की है, तो रिलेटिव मोशन नहीं कहेंगे इसको. मोशन है लेकिन रिलेटिव नहीं, राइट. कम से कम दोनों के स्पीड में डिफरेंस हो तो उसको रिलेटिव मोशन कहते हैं. और जब रिलेटिव मोशन होता है तब ये इंड्यूस करंट कॉइल के अंदर फ्लो होता है, राइट. तो ये बात तो हो गई. और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर होता तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इंड्यूस करंट डेवलप हुआ, उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अब स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कॉइल. तो उसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे निकालें, ये हमारे लिए चैलेंज है. हमने क्या देखा था अभी तक कि मान लो ये एन पोल है, ये एस पोल है, दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है और कोई कंडक्टिंग वायर उसको कट कर रहा है, वायर उसको कट कर रहा है. ये स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट स्ट्रेट वायर है, तो वो कट कर रहा है, तो करंट क्रिएट हो गया इसके अंदर. और करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं हम, राइट हैंड रूल से. लेकिन यहाँ पे अब क्या है स्टूडेंट, कि यहाँ पे एक कॉइल है और यहाँ पे एक मैग्नेट है. अब मैं मैग्नेट को इधर लाऊं या उधर ले जाऊं,
उसकी कॉइल के अंदर तक ले जाऊं, मोशन अगर है तो उसके अंदर करंट फ्लो होगा, तो जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन फैक्ट इन द कॉइल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेसिफिक लॉ दैट इज कॉल्ड एज लेंज़ लॉ। उसका नाम क्या रखा है, लेंज़ लॉ। तो मैं लिखता हूं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, induced current in the coil can be determined by Lenz's law, by Lenz's law, Lenz's law से हम इसकी direction निकाल सकते हैं, right? तो your heading is Lenz's law. राइट आप हेडिंग डाल लीजिए, मैं देखता हूँ ये बराबर सही आपको कट तो नहीं रहा है। यस नो प्रॉब्लम। तो हम लेंजेस लॉ को अभी पढ़ लेते हैं। लेंजेस लॉ क्या कहता है स्टूडेंट, देखो कि अगर ये कोई ये देखिए ये कोई कॉइल है सपोज ये राइट, और हम इसके नजदीक अगर कोई मैग्नेट लेके आते हैं, सपोज ये N और ये S, और हम इसके नजदीक लाते हैं, इसके नजदीक लाने से क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब इसका मैग्नेटिक लाइंस को ये वायर कट करेगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और इसमें इंड्यूस करंट आ जाएगा। लेकिन लेंज़ लॉ क्या कहता है डायरेक्शन के बारे में, वो डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस करंट की, वो कैसे निकलेगी। तो हम यू समझिए कि इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं, जितने भी, उन सब में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, दैट इज इनर्शिया, राइट। यानी किसी भी चेंज का अपोजिशन, इनर्शिया मींस व्हाट, अपोजिशन ऑफ एनी टाइप ऑफ चेंज। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। कोई बोला सुबह वॉकिंग को जाओ, हमारा विरोध, यानी हमारी बॉडी कहती है क्या करना है, सोते हैं चलो। कोई कहता है पढ़ाई करो, घर में मम्मी डैडी स्कूल में टीचर्स, पढ़ाई करो, मन क्या करता है फुटबॉल खेलो, यानी फुटबॉल रोज खेल रहे हैं ना, डेली खेल रहे हैं, इसके लिए फुटबॉल खेलेंगे, उसमें चेंज हमारी बॉडी को पसंद नहीं है, उसे कहते हैं हम इनर्शिया। तो यहाँ पे भी यही है, ये वायर क्या सोचता है, अरे क्यों करंट फ्लो करवाना है, बगैर करंट के अच्छा लग रहा है ना मुझे, लेकिन मैग्नेट तो पास आ रही है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो हो रहा है, तो इसका विरोध होगा, दिस कॉइल विल अपोज द फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इसका विरोध करेगी, या फिर कॉइल क्या सोचेगी ये जो मैग्नेट आ रहा है ना इसको ही भगा दिया, इसको आने नहीं देंगे पास, क्योंकि पास आएगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, राइट। तो ये जो विरोध करेगा वो कैसे विरोध कर सकता है, मैग्नेट का विरोध कैसे कर सकते हैं, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ भी अगर नॉर्थ पोल डेवलप कर दें, ये नॉर्थ पोल है, अगर यहाँ पे भी नॉर्थ पोल डेवलप कर दे, कॉइल अपने आप से यहाँ पे नॉर्थ पोल बना ले, तो फिर रिपल्सन हो जाएगा सिमिलर पोल्स के और इसमें इंड्यूस करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। फिर भी हम जबरदस्ती लाएं तो ला सकते हैं, तो इंड्यूस करंट तो डेवलप हो ही जाएगा, लेकिन कॉइल ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी है। इसका मतलब लेंज़ लॉ क्या कहता है, व्हेनेवर ए मैग्नेट इज कमिंग नियर टू द कॉइल, कॉइल इटसेल्फ डेवलप्स द सेम पोल एज ऑफ द मैग्नेट टू अपोज द चेंज, राइट। तो मैं वही यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, ये बिल्कुल सिंपल है, आपको इजीली समझेगा। व्हेन ए मैग्नेट अप्रोचेस टूवर्ड्स कॉइल, कॉइल स्टार्ट अपोजिंग द मोशन ऑफ मैग्नेट, सो इट डेवलप्स
सेम पोल एट दिस एंड ऑफ कॉइल एज ऑफ मैग्नेट, एज ऑफ मैग्नेट, किस लिए? सो दैट रिपल्सन टेक्स प्लेस टू अपोज द मैग्नेट। मैग्नेट को अपोज करने के लिए रिपल्सन डेवलप हो, राइट? तो इसमें क्या होगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अब नॉर्थ पोल की क्या प्रॉपर्टी होती है आपको पता है क्या? नॉर्थ पोल हमने देखा था, नॉर्थ पोल अगर ये है, इसका मतलब करंट किधर फ्लो हो रहा है? करंट ऐसे फ्लो, एंटी क्लॉकवाइज। अगर साउथ पोल डेवलप होता तो क्या होता स्टूडेंट? तो करंट इस तरीके से फ्लो होता और इसे क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। तो देखिए यहां पे क्या होगा, अब हम मैं इस साइड से मैग्नेट की साइड से अगर देखूं तो अगर ये नॉर्थ है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एज ए रिजल्ट पूरा का पूरा कॉइल में करंट ऐसे फ्लो होगा और गैल्वेनोमीटर इधर शो करेगा। तो इस तरह से अगर कोई आपको कभी एग्जाम में पूछ ले कि बताओ इसके पास लाने से, भाई नॉर्थ पोल है उधर पास लाने से कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो आप तुरंत कौन सा पोल है ये? नॉर्थ, इधर भी नॉर्थ डेवलप करो और नॉर्थ डेवलप होगा तो करंट किधर होगा? आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा दो, बिल्कुल सिंपल बात है, राइट? चलो यही एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, यहाँ से अभी साउथ पोल की तरफ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे देख एक तरीके से लिख देता हूँ, हियर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स कॉइल, हेंस कॉइल डेवलप्स ए नॉर्थ पोल एट दिस एंड एंड सो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लोज। एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो इसी बात को हम एक और बार देख लेंगे और मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपकी बात, आप बताना कि किधर करंट फ्लो होता है। सिर्फ मैं ये बना रहने देता हूँ सो दैट आपको पता रहे, हालांकि ये क्लॉक फेज रूल में हमने बताया हुआ है आपको, लेकिन स्टिल ठीक है, सामने आपके एक मदद रहेगी। देखिए ये गैल्वेनोमीटर है और आपको बताना है करंट किधर फ्लो होगा, यानी गैल्वेनोमीटर इधर आए शो करेगा या उधर शो करेगा। ये एस है और ये एन है, तो आप इधर मोशन हो रहा है तो बताइए स्टूडेंट क्या होने वाला है। एन एस मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा है, यस। ट्राई टू कंक्लूड कि करंट किधर फ्लो होगा। तो देखिए अगर एस इधर जा रहा है तो इधर भी एस डेवलप हो जाएगा, और जब एस डेवलप हो जाएगा तो करंट कैसे फ्लो होगा? क्लॉकवाइज। तो करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए क्लॉकवाइज। राइट, ऐसे होते होते इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर, और डायरेक्शन इधर शो कर देगा। सो करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये लेंज़ लॉ है, राइट? एक और चेक कर लेंगे। गैल्वेनोमीटर और हमने बना दिया यहां पे एक एनएस
और अब मैग्नेट दूर जा रहा है, मैग्नेट दूर जा रहा है, तो क्या होगा? अब बताइए आप क्या होने वाला है। मैग्नेट दूर जा रहा है तो कॉइल को यह भी पसंद नहीं है, नजदीक आ रहा था तो भी पसंद नहीं था, लेकिन दूर जा रहा है तो भी पसंद नहीं है, चेंज पसंद नहीं है ना। और जब चेंज पसंद नहीं है तो इसको अपनी तरफ खींचने के लिए क्या डेवलप होगा? यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करना है तो अपोजिट पोल बनेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यस, यहाँ पे बन जाएगा साउथ पोल, और साउथ पोल बन जाएगा मतलब क्लॉकवाइज, ये इस तरीके से। तो कुछ ऐसे 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 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। ये देखो, क्या होगा? इधर शो करेगा तो क्लॉकवाइज करंट, राइट। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा लेंजेस लो, और दूसरा आप कॉइल के अंदर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे निकालें, इस बात का आइडिया आपको लग गया। बस इसी फिनोमेना का यूज हम पावर जनरेशन के लिए करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही डिफरेंट पावर स्टेशन के अंदर करंट डेवलप होता है, और इसके लिए हम आगे एक अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे जनरेटर्स। जनरेटर क्या करते हैं? हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देते हैं। नेक्स्ट टाइम हम वो पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।